आत्माओं को तमाम भारत देश की ओर से हमारे संगठन की ओर से नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और हम लाइव आए हैं। आप देख सकते हैं अनुभवी स्वास्थ्य मित्र संगठन हरियाणा जिला फतेहाबाद व ग्रामीण टोहाना द्वारा शहीद सरदार उद्धम सिंह के शहीदी दिवस पर नौवां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का जो है आयोजन वो किया जा रहा है और सभी साथी एक बार जुड़े लाइव हम आपके सामने आए हैं। वो पूरा का पूरा बहुत ही बहुत यहाँ पर कितने साथी पहुंचे हैं, ऐसे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कमेंट करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि जो ब्लड डोनेशन किया जाता है या खून दान करना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है आज के जो युवाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं डॉक्टर शिव सचदेवा जी, डॉक्टर क्रांति जी यहाँ पहुँचे हैं और इसमें डॉक्टर दीपांश भाटिया, डॉक्टर शिव सचदेवा, डॉक्टर राजेश क्रांति, एस एम ओ टोहाना, एस एम ओ जाखड़ आए हैं। तो आप और हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 94 यानी 94वीं बार आज वर्ल्ड स्पेशल किया है। सभी साथी एक बार जरूर शेयर करें, 94वीं बार उन्होंने सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ वेरी गुड लिखा इन्होंने और 94वीं बार सम्मानित किया है और इनसे जानकारी कि बार योगदान किया है उससे उनको इस प्रकार जो कहां से उनको प्रेरणा मिली है और कहां कितनी बार इन्होंने खून दान जो किया है उनसे जानकारी ले हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, आपने 94 बार यानी खूनदान किया है। कैसा लगा? मैं 99 में पहली बार गया था। एक बार पूरा की पूरी डिटेल बताइए आप कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है और जो इतनी बार आप खूनदान कर चुके हैं कैसा? मेरे एक फ्रेंड ने पहली बार दिया था, उससे प्रेरित होकर मैंने शुरू किया जी। अब तक कितनी बार कर चुके हैं? 92 बार। तो 92 बार आप कर चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो एक भ्रम फैला हुआ है कि खूनदान करने से खून की कमी आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटे में पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 94 बार खूनदान किया है और आप देख सकते हैं लगातार जो युवा है वो खूनदान करने के लिए आ रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो खूनदान करके जा रहे हैं, उन्हें सम्मानित यहाँ किया जा रहा है संगठन द्वारा। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ जो खूनदान करने के लिए आए हैं और भी जो साथी खूनदान कर रहे हैं पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं जो काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए और लगातार एक बड़ी जो मुहिम अनुभवी स्वास्थ्य संगठन द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, किसी की जिंदगी रहे हैं और जो खूनदान है वो करने के लिए जो युवा हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ऐसा मैं जाकर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। शहीद उद्धम सिंह को नमन किया जा रहा है, जो यहाँ खूनदान करने आ रहे हैं उनको लगातार और उनसे बात करने की कोशिश।
खूनदान करके रिफ्रेशमेंट भी यहाँ दी जा रही है, वो भी आपको दिखाने का कार्य करेंगे कि जो खूनदान करते हैं उनके लिए किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी साफ सफाई के साथ यहाँ पर व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से की गई है। फल मंगवाए गए हैं, जूस मंगवाया गया है और जो भी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है वो एक बढ़िया तरीके से मित्र स्वास्थ्य संगठन द्वारा यहाँ की गई है। और डॉक्टर जोरा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लगातार युवाओं की टीम को लेके आते हैं। सर स्वागत है आपका, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल का स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। तो आप यहाँ भी और गांव के अंदर भी लगातार युवाओं को मोटिव करते रहते हैं, मोटिवेशन आदि करते हैं कि युवा खूनदान के लिए अग्रसर रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो भी जितने भी मोटिवेट किए हैं सभी का धन्यवाद, और जिसने भी खूनदान किया है उनका सभी भाइयों का धन्यवाद। और आगे भी हमारा यही प्रयास है भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कैंप लगेंगे हमारे उसमें सहयोग देंगे। तो आप देख सकते हैं आज इस समय से हैं और उन्होंने बताया कि लगातार युवाओं को जो है तो लेके आएंगे। सर क्या नाम है? मेरा डॉक्टर महावीर सिंह का अवतार सुन खुर्द। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे जो आज का कैंप लगाया गया है, कौन कौन व्यवस्था की गई है, इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? हमारा जी ये कैंप है शहीद उधम सिंह के बनाई जाती है, इसलिए हमारा ये आरएमपी समाज जितना भी है सब खूनदान करता है और एरिया में इसका बहुत बढ़िया रुझान है। अच्छे हाँ नौवां कैंप है जी हमारा ये। तो आप देख रहे हैं कि जो भी खूनदान करके आते हैं उनके लिए यहाँ एक रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है, और जो खूनदान करके आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? बलिंदर सिंह। कहाँ से आए हैं? समैन गांव है जी, तहसील टोहाना डिस्ट्रिक्ट वाते बदर हरियाणा। क्या बताएंगे जो आज का काम किया है, कैसा लगा आपको? मुझको तो बहुत बढ़िया लगा जी। पहली बार आए? हाँ पहली बार, आगे से हर बार विजिट करूंगा। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, सेफ है, बहुत बढ़िया है, पूरी सेवा बाड़ी है, पूरी इज्जत है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कैंप लगाया और कैंप में भाग ले रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर क्या बताएंगे, आपने भी बड़े प्रदर्शन किया? हाँ जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया जी। पहली बार किया आपने, पहले भी कर चुके हैं? नहीं मेरा नौवीं बार है जी, आपकी बार। नौवीं बार जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। तो जो डरते हैं खूनदान करने से कि खून की कमी हो जाएगी? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। और क्या बताएंगे व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था बहुत बढ़िया रखी है जी। तो हाँ हाँ इसी प्रकार नौवीं बार है जी, अब की बार मेरा जी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो बताया व्यवस्था के बारे में, एक जबरदस्त जो व्यवस्था थी और वो यहाँ पर की गई है, रिफ्रेशमेंट की बात करें, बैठने की बात करें, या एक जो यहाँ खूनदान करने के लिए जो टीमें आई हैं, जो ये डोनेशन खून इकट्ठा करने के लिए आई है के अंदर, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे और उनसे भी हम जानकारी लेने का कार्य करेंगे कि यहाँ पर जो आए हैं वो किस प्रकार का जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पर, जो साथी हमारे साथ होते हैं सभी शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, व्यवस्था बढ़िया यहाँ पर की गई है। तो लगातार हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं संगठन कि यहाँ पर जो जो वर्ल्ड बैंक के यहाँ खूनदान कर इकट्ठा करने के लिए आए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो स्टाइल लगाई गई है, एक साइड में है
तो आप देख सकते हैं व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया की गई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खूनदान करने के लिए आए हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है बैठने की और चाय से पानी से रिफ्रेशमेंट्स हर प्रकार से जो व्यवस्था है वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ की गई है और आने वाले हर डोनर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है एक अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो साथी हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप इस तस्वीरें देख सकते हैं रियल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ब्लड डोनर है कौन कौन दान करना रही है देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा पर आप इन तस्वीरों को शेयर करते रहे जितने भी साथी हमारे साथ हैं सभी साथी शेयर जरूर करें और हम जानकारी लेंगे कि इन जो द्वारा खूनदान किया जा रहा है वो कितनी बार किया जा रहा है और क्या जो खूनदान किया जाता है इससे किस प्रकार की जो वो कमियां दूर होती हैं दर्शन कुमार सर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है सर बहुत पहली बार आए सर 52 बार डोनेट किया है बहुत बढ़िया एक अजीब तरह की खुशी महसूस हो रही है बिल्कुल नहीं सर ये तो अगर हम नॉर्मल डाइट भी लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर हमारा ब्लड पूरा हो जाता है जी सर जी जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर तो मैं तो सभी से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे को ब्लड डोनेट जरूर पूरा करना चाहिए ताकि अति जरूरतमंद की सहायता हो सके हमारे खून की वजह से किसी की जान बच सके जो संदेश इन्होंने दिया है और एक साथी और हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे क्या नाम है सर आपका साहब सिंह जी कहाँ से आए हैं गांव लल्लूवाल से जी नहीं जी पहले 8 बार कर चुका हूँ जी 8 बार पहले कर चुका हूँ ये 9वीं बार है जी कैसा लग रहा है जी अच्छा लग रहा है जी साल में एक बार करता हूँ जी मैं 2020 से रेगुलर कर रहा हूँ जी हर साल 23 मार्च और 31 जुलाई को करता हूँ जी हाँ जी तो जो ये कहते हैं कि खूनदान करने से खून की कमी हो जाती है शरीर में उसको लेकर नहीं कभी आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ अच्छा खान पान रहता है तो नॉर्मल सब ठीक ठाक रहता है जी तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं जी हम सभी साथियों को यही कहना चाहेंगे भी ब्लड डोनेट करना चाहिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि किसी की सहायता हो सके किसी को ब्लड की जरूरत हो और उसे दर दर ना भटकना पड़े आसानी से उन्हें ब्लड मिल सके तो आप देख सकते हैं बड़ा जो संदेश है इनके द्वारा यहाँ दिया गया है और आप तस्वीरें देख रहे हैं कर रहे हैं और लगातार हम आपको जो तस्वीरें हैं वो रियल न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और आगे से आगे एक दूसरे को युवाओं को जो है वो ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें और देखिए किस तरह से युवाओं के अंदर जबरदस्त एक उत्साह यहाँ देखा जा रहा है कि ब्लड डोनेट के लिए तो सभी साथी एक बार जरूर वीडियो को शेयर करें और रियल न्यूज हरियाणा पर बने रहें जो लाइव प्रवीण राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट किया है गुड मॉर्निंग सुबह की राम राम सभी को सभी साथी जिन्हें जुड़े हैं एक बार कमेंट करें कहां से कौन साथी जुड़ा है और जो कैंप लगाया जा रहा है इसके बारे में राय जरूर दें तो हमारे
हमारे साथ शिव सचदेवा जी मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे आज के बारे में वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब से हम बात कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं डॉक्टर शिव सचदेवा जी हैं और डॉक्टर क्रांति जी हमारे साथ, और इनसे हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। कभी नहीं हुआ। रियल न्यूज़ हरियाणा पे आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। आज लगाया जा रहा है, क्या जानकारी देंगे इसको लेकर? आज मित्र संगठन मित्र संगठन जी डॉक्टर साहब, मित्र संगठन जी डॉक्टर साहब, आज अनुभवी मित्र संगठन द्वारा जिला इकाई एवं ग्रामीण इलाके के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। शहीद उधम सिंह की जयंती पर लगाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन ही उनको फांसी मिली थी 31 जुलाई 1940 को, उस उपलक्ष्य में आज कैंप लगाया जा रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, देखने को मिल रहा है कितने इनका जो टारगेट है 200-300 से ऊपर का है ब्लड डोनेशन का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ब्लड के बारे में, ब्लड 3 लोगों की जान बचाता है, किसी को WBC, किसी को RBC, किसी को प्लेटलेट्स चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, अब बरसात के मौसम के बाद प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जब डेंगू आता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है लोगों को चढ़ाने के लिए। तो मैं तो अनुभवी चिकित्सक संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कार्य के साथ साथ 9th ब्लड डोनेशन के साथ साथ बड़े सामाजिक कार्य भी बहुत ज़्यादा किए हैं सिविल हॉस्पिटल के साथ। जैसे निक्षय योजना के अंतर्गत कई मरीजों को, जो TB के मरीजों को उन्होंने गोद में लिया है, और अन्य भी सामाजिक टाइम टू टाइम कैंप लगाते रहते हैं, अन्य भी सामाजिक बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका तो विशेषकर धन्यवाद करता हूँ। और हमारी भी स्क्रीनिंग हो जाती है, हमें खुशी मिलती है, हमें आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा, और आत्मगौरव बढ़ता है, और हमारे शरीर की भी स्क्रीनिंग हो जाती है, और कई प्रकार की बीमारियां भी नहीं होती, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है बाद में, तो ये भी नहीं होता। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो डॉक्टर क्रांति आए हुए लोगों का जो यहाँ स्वागत कर रहे हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्टर दीपांश भाटिया जी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रियल न्यूज हरियाणा पर, डॉक्टर दीपांश भाटिया ने फूल अर्पित किए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले भी मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर क्रांति जी, राजेश क्रांति जी यहाँ पहुँचे हैं, डॉक्टर दीपांश भाटिया जी, डॉक्टर अमित गर्ग जी, डॉक्टर शिव सचदेवा जी जो टोहाना रत्न है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सभी से हम आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वागत है वो डॉक्टर साहब का किया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और संगम हॉस्पिटल से जो प्रधान हैं हमारे सतपाल ननेरी जी, वो स्वीकार करते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं युवा जो पहुंचे हैं। जो है जो वो डॉक्टर दीपांश भाटिया जी पहुंच चुके हैं, तो उनका स्वागत किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा पर, और डॉक्टर दीपांश भाटिया जी का यहाँ स्वास्थ्य अनुभवी स्वास्थ्य मित्र द्वारा लेकर जो है वो सम्मानित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाइव। और भी साथी यहाँ जो पहुँच रहे हैं उनका जो एक स्वागत है वो किया जा रहा है, और अब हम डॉक्टर क्रांति जी से और दीपांश भाटिया जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, क्या जानकारी देंगे जो आज जो अनुभव स्वास्थ्य मित्र संगठन द्वारा कैंप लगाया गया है, क्या बताएंगे इसके?
आज अनुभवी मित्र संगठन ने जो हमारे जो है खूनदान का कैंप का आयोजन किया है और शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान दी, और मैं ये अनुभवी मित्र संगठन का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे ऐसे शहीदों को याद करके और उनकी याद में कैंप लगवाते हैं। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो निस्वार्थ सौ सौ बार, कई एक हमारे पास डोनर आया उसने 93 बार ब्लड डोनेशन किया, और कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं इस मुहिम के तहत, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इससे और लोगों को भी खूनदान की प्रेरणा मिलती है जो आगे ज़रूरतमंद लोगों के काम आता है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जानकारी जो डॉक्टर साहब ने हमें दी है, और आप देख सकते हैं कि हम डॉक्टर दीपांश भाटिया जो टोहाना के अंदर एक बड़ा जो हॉस्पिटल है भाटिया नर्सिंग होम के नाम से, उनसे वो यहाँ पहुँचे, उनसे हम जानकारी लेंगे भाटिया जी से कि आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हरियाणा में आपका स्वागत है, धन्यवाद। जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये अनुभवी स्वास्थ्य मित्र संगठन द्वारा लगाया गया, और खास करके आज के दिन 31 जुलाई को जो शहीद ऊधम सिंह की जयंती पर लगाया गया है। एक तो इसमें चलो इन संगठन की तरफ से ऊधम सिंह जी को भी एक श्रद्धांजलि दी गई है, और साथ में रक्तदान शिविर लगाया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत बहुत पेशेंट्स को पड़ती है हमारे एरिया में, और कई बार ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह के रक्तदान शिविर लगाने से एक बार बल्क में ब्लड अवेलेबल हो जाता है, और लोगों को जब भी ज़रूरत हो ये आसानी से अवेलेबल होता है ब्लड। और इस तरह के ब्लड बैंक और संस्थाओं को भी और लगाते रहना चाहिए, और जो अनुभवी स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये शायद 9वां रक्तदान शिविर है, और मैं इनके कार्य को खूब सराहनीय कार्य है ये, और धन्यवाद करता हूँ इनका संगठन का और आपका रियल न्यूज़ का भी। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम की बात करें तो काफ़ी समस्याएँ रहती हैं, और जब डोनेट करने के लिए डोनर आता है एक भ्रांति भी रहती है कि खून की कमी हो जाएगी शरीर में, क्या इस प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं? नहीं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जो कि फिट पेशेंट है जिसको कोई शुगर बीपी या किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है, उससे कोई ब्लड की कमी नहीं आती। जो मतलब कंटेंट्स हैं वो 3 महीने के अंदर दोबारा बिल्कुल पूरे साथ के साथ बन जाते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद दोबारा भी वो डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम को लेकर क्या जो दर्शकों को जानकारी देंगे आप उस समय, क्योंकि बारिश का मौसम है तो खास करके मलेरिया डेंगू इस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, तो लोग एक तो अपने घरों में कूलरों में और आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना दें और साफ़ सफाई रखें, क्योंकि ये बीमारियाँ ज़्यादा खड़े हुए पानी में फैलती हैं, और डेंगू खास करके साफ़ पानी में फैलता है, तो ये ध्यान रखना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने सुना हमारे डॉक्टर साहब दीपांश भाटिया जी को, और इन्होंने एक बड़ी जो जानकारी हमें दी है कि आसपास में साफ़ सफाई रखें, जो कूलर वगैरह हैं उनमें पानी जो रखा गया है उन पर पानी इकट्ठा ना होने दें। और आप देख सकते हैं संगम हॉस्पिटल से हमारे जो आदरणीय हैं सतपाल ननेरी जी वो पहुँच चुके हैं, और उनसे जानकारी लेंगे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहां पहुंचे हैं सभी जो डोनर का हम स्वागत करते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं, और सभी हम रियल न्यूज हरियाणा के माध्यम से अपील भी करते हैं कि सभी अधिक से अधिक खून दान करें, और सभी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करते रहें, लाइव अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें रियल न्यूज हरियाणा के साथ।